के क्षेत्रीय संचालक कार्यालय पर स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें वायरस के मरीजों व संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग करवाने व गाइडलाइन के अनुसार मुस्तैदी रखने पर चर्चा हुई। कोरोना वायरस को लेकर इंदौर में स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है कि चीन से आने वाले लोगों की सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक दो सैंपल संदिग्धों को भेज दिए गए थे, नेगेटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग राज्य स्तर गाइडलाइन के मुताबिक जाँच में जुटा है, जिसमें 15 फरवरी के बाद चाइना से आने वाले या चाइना के आसपास बीच चिन्हित कंट्री से आने वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। खासकर वुहान से आने वाले लोगों के सैंपलिंग हो रहे हैं। पूर्णिमा के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग कंट्रोल रूम के नंबर 07312537253 पर किसी भी संदिग्ध मरीज की जानकारी दे सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक राज्य स्तर और एक WHO गाइडलाइन मिली है, उसके अनुसार 15 जनवरी के बाद से जो भी चाइना के वुहान जिले से आ रहा है उनको हम सैंपल ले रहे हैं, और बाकी को अन्य राज्यों से आने वाले और अन्य पास की के कंट्री से आने वाले, चाइना के पास से 20 और कंट्री से जहां से आने वालों को हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं। घर पर ही उसको हम अलग रखेंगे और वो मास्क पहनेगा, उसके परिवारजन मास्क पहनेंगे, उसकी हमारी मेडिकल टीम दिन में 2 बार निगरानी करेगी और ज़रूरत पड़ने पर हम उसको इलाज देंगे। और जो वुहान से आ रहे हैं उनका हम सैंपल कलेक्ट करके मेडिकल कॉलेज को भेजेंगे। वो मैसेज ये है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम है, जिसका नंबर है 2537253, इस नंबर पर हमको सूचना दे कौन कहाँ से है। यदि हमारे पास उसका नंबर नहीं है तो हम उसको हमारी लिस्ट में लिखेंगे, उसको ट्रेस करके उसको हम अपनी काउंसलिंग करेंगे कि वो कैसे लोगों से और भीड़ से दूर रहे, जिससे कि ना फैले, किस तरह से मास्क पहन कर रहेगा और किस तरह से वो हमको सहयोग करेगा। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लक्षण यदि आते हैं तो उसका हम सैंपल लेंगे और उसको इलाज करेंगे।